मैं हूँ धनंजय धनुका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीलेज। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीलेज में क्या क्या हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट आते हैं वो सब हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला हम जानेंगे कन्वेक्शनल टीलेज। कन्वेक्शनल टीलेज क्या होता है? कन्वेक्शनल टीलेज जो होते हैं ये कुछ पुराने टीलेज की विधियाँ होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, काफ़ी समय से हम क्या करते हैं, जो जोताई होता है उसमें एनर्जी लगता है हमारा, तो एनर्जी को हम क्या कर देते हैं समटाइम्स के लिए थोड़ा एनर्जी कम यूज़ करते हुए सॉइल की स्ट्रक्चर और उनके जो फिजिकल कंडीशन है उनको हम चेंज करते हैं। ये क्या कहलाता है आपका? कन्वेंशनल टीलेज कहलाता है। कन्वेंशनल टीलेज के अगर एग्जांपल देखा जाए तो आपके मिनिमम टीलेज, जीरो टीलेज, स्टेबल मल्चिंग टीलेज, ये सब आपके आते हैं। आगे हम देखेंगे कि कन्वेंशनल टीलेज को कितने भाग में बांटा गया है और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल टीलेज को तीन भाग में बांटा गया है। पहला है आपका मिनिमम टीलेज, दूसरा है जीरो टीलेज और तीसरा है कंजर्वेशन टीलेज। ठीक है, तो कन्वेंशनल टीलेज क्या का मतलब हमने पहले ही समझ चुका है कि ऐसा हम टेक्नोलॉजी या ऐसा टीलेज का सिस्टम लागू करते हैं ताकि हमारा जो एनर्जी है कम यूज़ हो और हम जल्द से जल्द फसल की बुआई कर सकें, ये इसका मतलब होता है, और ज़्यादा हमारा जो है रिसोर्सेज भी कम लगते हैं इसमें। तो ये कन्वेंशनल मेथड को आप समझ गए। हम देखेंगे मिनिमम टीलेज, जीरो टीलेज और कंजर्वेशन टीलेज क्या होता है। ठीक है, मिनिमम टीलेज की बात करें तो मिनिमम टीलेज का अर्थ ये है कि हम जो है सॉइल में जब सीड लगाते हैं तब हमारा जो खेत है उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता है जितना हम नॉर्मल टीलेज का जब कोई इंस्ट्रूमेंट से अगर टीलेज कर दिए या फिर कोई ट्रैक्टर की सहायता से कर दिए तो उस तरीके से मैनेज नहीं होता हमारा फील्ड। आप मिनिमम टीलेज को एक इस इमेज से समझ सकते हैं कि देख सकते हैं आप ये क्रॉप के डीबेरिज यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्रॉप हार्वेस्ट हुआ था उसका जो भी रेसिड्यूज है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके बाद में हमने क्रॉपिंग कर दिया तो हमने इस पर क्या प्रैक्टिस किया होगा? हमने सिर्फ इस पर इनके जो मिट्टी के जो फ्रो है, रो हैं, उनमें हमने सिर्फ सीड डालने के लिए उसको ओपन किया है सॉइल को, और हमने एक निश्चित डेप्थ पर सीड डाला है और हमारा जो फसल है वो ग्रो कर गया। थोड़ी बहुत पानी की जो सिंचाई के साधन है वो हमने इसमें लागू किया है, तब जाके ये फसल जो है हमारा उग गया। तो इस तरीके से हम मिनिमम टीलेज कर सकते हैं और यही मिनिमम टीलेज का अर्थ होता है। हम सिर्फ हमको क्या चाहिए, रैपिड जर्मिनेशन और हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, और गुड सीड बेड हम बेड हमारा बन सके ताकि हमारा सीड जो है वो ग्रो हो सके। और इसका नाम से ही हम समझ सकते हैं मिनिमम टीलेज जो है कि टीलेज हमारा होना चाहिए मिनिमम और हमारा कॉस्ट भी कम लगे। बाकी बहुत सारे इनके बेनिफिट्स हैं वो आगे देखते हैं। टीलेज कैन बी रिड्यूस द टू वे। ये क्या होता है, दो वे से हम टीलेज को रिड्यूस्ड कर सकते हैं, जैसे बाय ओमिटिंग ऑपरेशन विच डू नॉट गिव मच बेनिफिट व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट। ठीक है, हमारा ओमिटिंग ऑपरेशन मतलब हम सिर्फ जो ये जो कर रहे हैं हम सीड डालने का काम या फिर सॉइल को ओपन करने का काम, ये हमारा ओमिटिंग ऑपरेशन आता है। इन्हीं से हम बेनिफिट कमा सकते हैं ताकि हमारा जो कॉस्ट है उसका कंपेयर कम हो सके। और बाय कंबाइनिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन लाइक सीडलिंग और सीडिंग फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, मतलब थोड़ा बहुत सीडिंग और फर्टिलाइजर का भी एप्लीकेशन इसमें हम कर सकते हैं। फिर हम इसके एडवांटेज की बात कर रहे थे, तो एडवांटेज में इसका आता है हमारा जो सॉइल का कंडीशन है वो इसमें इम्प्रूव हो जाता है, और डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज इन सिटू जो डिकम्पोजिशन होता है वो क्या कहलाता है? वो जैसे अभी पिछला इमेज आपने देखा था उसमें आपने देखा इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया, कम से कम इसमें हमने कल्चरल प्रैक्टिस यूज़ की है, तो इसमें जो रेसिड्यूज है वो हमारा डिकम्पोस्ट हो जाता है, ताकि इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल दिए तो ये डिकम्पोस्ट हो जाता है, और डिकम्पोज होने के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारे प्लांट के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ये इसमें कहना चाह रहा है। उसके बाद दूसरा है हायर इन्फिल्ट्रेशन काउजेड बाय द वेजिटेशन प्रेजेंट। जो वेजिटेशन प्रेजेंट होते हैं जमीन के ऊपर में, जो प्लांट के लीफ हैं, प्लांट का जो पार्ट है, उसके वजह से क्या होता है आपका इन्फिल्ट्रेशन, जो पानी का जो बहाव होता है नीचे की तरफ, है ना, ग्रेविटी की तरफ, वो कम हो जाता है। उसके बाद हमारा लेस रेजिस्टेंस टू रूट ग्रोथ ड्यू टू इम्प्रूव्ड स्ट्रक्चर। हमारा क्या होता है, रूट का ग्रोथ जो है अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से। फिर उसके बाद है सॉइल जो है, सॉइल में कॉम्पैक्टेशन कम आता है। कॉम्पैक्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल का हार्डपन है वो कम हो जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे जो है अगर लगातार हम इस तरह का मेथड यूज़ करते हैं तो हमारा जो सॉइल है उसकी कंडीशन जो है काफ़ी
हद तक कि गिर सकती है, तो ये साइंटिफिक मेथड तो है ज़रूर, लेकिन ज़्यादा ईयर तक इसको अप्लाई नहीं कर सकते, यही कहना चाहता है नोट में। उसके बाद डिसवान्टेज भी इसके कुछ कुछ हैं, जैसे कभी कभी सीट का जर्मिनेशन लोअर हो जाता है, फिर हमारा जो नोडुलेशन में है उसमें अफेक्ट आता है। नोडुलेशन किस में पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी जितने भी क्रॉप हैं जैसे पी है, बीन्स है, ग्राम है, ये सब क्रॉप में जो है नोडुलेशन का दिक्कत होता है, तो इस तरीके का मेथड उसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर सोइंग ऑपरेशन आर डिफ़िकल्ट विथ ऑर्डनरी इक्विपमेंट्स, जितने भी ऑर्डनरी इक्विपमेंट्स होते हैं अगर उनसे हम कल्चरल प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, जैसे पहले हमारे जो जो पूर्वज है वो किसानी करते थे, वो खेती करते थे, तो वो जो फार्मर थे वो ऑर्डनरी इक्विपमेंट का यूज़ करते थे, खुद का बनाया हुआ इक्विपमेंट का यूज़ करते थे, उससे हमारा उतना इफेक्टिव काम नहीं हो पाता था। और हमारा जो है आजकल हम इस यंत्र का अगर यूज़ करें तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आजकल काफ़ी हैवी जो है इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, जो हम किसी लेक्चर में बात करेंगे कितने तरीके के हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमारे खेती में यूज़ होता है ना, जुताई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक। उसके बाद कंटिन्यूस यूज़ हर्बिसाइड, जो हर्बिसाइड है उसको कंटिन्यूस यूज़ करने से हमारा जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। हमको सब पता है हम किसके लिए बढ़ावा दे रहे हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बढ़ावा दे रहे हैं आजकल, तो केमिकल वगैरह का जो है यूज़ को कम करना चाहिए, यही इसकी डिसवान्टेज में आता है, ठीक है। फिर जीरो टिलेज की बात करें तो जीरो टिलेज के फादर है गर्बर्ट बी ट्रैपलेट, इसका नाम है। जीरो टिलेज को हम आल्सो नो टिल प्लांटिंग भी कहते हैं, नो टिल प्लांटिंग को आगे समझेंगे क्या होता है। नो टिल प्लांटिंग इसका अदर नाम है, जीरो टिलेज का फेमस नाम है, और ये मिनिमम टिलेज की तरह ही है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। क्या चेंजेस है वो आगे देखते हैं। प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड एट, ठीक है, इसमें प्राइमरी टिलेज बिल्कुल अवॉइड करते हैं, जैसे जो हम ग्रीष्मकालीन जुताई बोल रहे थे जिसमें हम एमबी प्लाउ यूज़ करते थे, वो बिल्कुल इसमें नहीं करते हैं, तो मतलब प्राइमरी टिलेज को हम बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली सीड बेड प्रिपरेशन एंड रो जोन ओनली, ठीक है, मतलब रो जोन बनाना है, सीड बेड का प्रिपरेशन करना है ताकि हमारा सीड जो है वो अच्छे से इनपुट हो सके, ताकि वो जैसे जर्मिनेशन आ सके, ये हम इसमें करते हैं। 50% मतलब 50 से 100% जो रेसिड्यूज होते हैं सॉइल में, सॉइल सरफेस में होना चाहिए, ठीक है, ये इसका 50 से कम नहीं होना चाहिए। और क्योंकि अगर 50 से कम है तो आप समझ लीजिए कि आप इस तरीके की खेती नहीं कर रहे, जीरो टिलेज का नहीं कहलाएगा, क्योंकि जीरो टिलेज का मतलब ही यही है कि हम आप इस इमेज में देख सकते हैं बिल्कुल आपका जो हार्वेस्ट हुआ था नेक्स्ट ईयर में उसके रेसिड्यूज बिल्कुल बचे हुए हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, ना कोई जुताई, ना कोई इंटरकल्चर, तो इस तरीके का खेत का कंडीशन होता है। टिल प्लांटिंग इसको ऑल्सो कहते हैं हम, और ये प्रैक्टिकल इसमें जो है जीरो टिलेज की प्रैक्टिसिंग में हम क्या कर सकते हैं, हम सेम वही मिनिमम टिलेज का ऑपरेशन करते हैं, बस हम थोड़ा बहुत क्लीन कर दिए और रो वगैरह बना लिए क्रॉप के लिए, फिर उसमें सीड का इंसर्टेशन कर दिए, सीड को अगर हमने फिर बुवाई कर दिया या डाल दिए तो उसके बाद जो है हमारा जो है कवर हो जाता है क्रॉप, हमारा ग्रो हो जाता है, ये हमारा जीरो टिलेज के अंतर्गत आता है। अवॉइड स्वीप ऑफ ट्रैश बेयर क्लियर स्ट्रिप ओवर द प्रीवियस क्रॉप रो एंड प्लांटर सोस ओपन नैरोड स्ट्रिप इनटू विच सीड आर प्लांटेड इन एंड कवर, ठीक है। तो दोस्तों जीरो टिलेज में हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। फिर बाकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में जीरो टिलेज से वो आता है कि इसमें हम हर्बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, हर्बिसाइड के नाम पूछे जाते हैं, पैराकॉट और ग्लाइसोफेट इसमें यूज़ होता है, ग्लाइफोसेट को हम सफाया के नाम से ट्रेड नेम है इसका वो भी आता है इसका, राउंड अप के नाम से आता है ग्लाइफोसेट, ठीक है, तो ये सब इसके फॉर्म होते हैं, ये बस इसमें यूज़ होता है। तो जीरो टिलेज से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाना चाहिए कि जीरो टिलेज के फादर कौन है और जीरो टिलेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया, बाबा आगे बढ़ते हैं और इंटरकल्चरल इम्प्लीमेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है, इंटरकल्चरल इम्प्लीमेंट क्या क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने जितना भी नाम आपको 1 से लेकर 16 तक के आपको लिखाया गया है उसको हम एक एक करके स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में आपको बताएंगे, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला है चीसल प्लाउ जिसका नाम है, ये सब सॉइल ब्रेकिंग के काम आता है, मतलब ये जो यंत्र है जैसे ये सॉइल के अंदर जाता है उसको ब्रेक करता है, तोड़ने का काम करता है, ठीक है, चीसल प्लाउ इसका नाम है। नेक्स्ट है आपका रोटरी प्लाउ, रोटरी प्लाउ का यूज़ क्या है, आप पल्वराइजेशन बोलते हैं जिसको हम सॉइल को घुमाते हैं चारों तरफ से और 10 से 12 सेंटीमीटर की इनमें
डेप्थ होती है, उस डेप्थ के जो सॉइल होते हैं उसको हम रोटेट करते हैं, ये हमारा रोटेटेट का काम होता है। थर्ड है रिज प्लाव, ठीक है, रिज प्लाव का नाम से स्पष्ट है, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये रिज बनाने का काम करता है ये प्लाव, मतलब इसमें सीधा हमारा जो वेजिटेबल क्रॉप है वो लगाने के लिए तैयार करते हैं इसमें। थर्ड है, फोर्थ है हमारा बेसिन लिस्टर, बेसिन लिस्टर जो है ये भी इसी तरीके का काम करता है, बस आपका बेसिन को बनाने का काम करता है, ठीक है, जिससे कि आपका रन ऑफ वाटर जो है वो कंट्रोल हो सके, प्रिवेंट हो सके। फिफ्थ है आपका डिस्क प्लाव, डिस्क प्लाव जो यंत्र है ये आप इसमें डिस्क बना होता है इसलिए इसका नाम डिस्क प्लाव बना है, ये डिस्क जो है मिट्टी को काटने का काम करता है, ठीक है, इसको मोड फ्लोर प्लाव भी कह सकते हो। सिक्स हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्रैक्टर ड्रॉन कल्टीवर, ट्रैक्टर ड्रॉन कल्टीवर जो है वो किस यूज में आता है, ये जो है जितने भी आपके जमीन में कल्टीवर का यूज करते हैं हम, जिसमें नौ नास होते हैं, नौ आपके नास होते हैं इसमें, इन नौ नास से हम जुताई करते हैं, जनरली इसी कल्टीवर का यूज होता है, जैसे फर्टिलाइजर को मिक्स करने के लिए, या फिर आप इसमें सिंपल कोई जुताई करते हैं जिसमें से मिट्टी को आपको भुरभुरी बनाना है, तब इसका यूज कर लेते हैं। सातवां है स्वीप कल्टीवर, स्वीप कल्टीवर जो है ये हार्वेस्टिंग ग्राउंड नट एंड यूज स्टेबल मल्चिंग, जो स्टेबल मल्चिंग है उसमें ये यूज होता है, और ग्राउंड नट की हार्वेस्टिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं। ग्राउंड नट का जो पैकिंग होता है या फिर सीड का फॉर्मेशन होता है वो नीचे ही बनता है जमीन के, तो इसके लिए हमको कोई खास यंत्र का यूज करना पड़ता है, अलग अलग तरह के यंत्र आते हैं, उनमें से एक ये है स्वीप कल्टीवर, ना भूलिएगा इसका नाम स्वीप कल्टीवर अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद आठवां है प्लैंकर, प्लैंकर जो है माइक्रो लेवलिंग का काम करता है, एक तरह का लेवल करने का काम करता है, है ना, और इससे आप सीड भी डाल सकते हैं, इसमें ऐसा यंत्र डाला है कि इसमें सीड सोइंग भी हो जाता है, ठीक है। फिर स्टार वीडर, आप इस इमेज में देख सकते हैं वीट को निकालने के लिए इसका यूज होता है, स्टार तरह का इसका फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका नाम स्टार वीडर हुआ है, और वीडिंग के लिए इसका यूज होता है ग्राउंड नट के फील्ड में खासकर, या फिर आप किसी भी क्रॉप में इसका यूज कर सकते हो। दसवां है पोटैटो डिगर, नाम से स्पष्ट है पोटैटो को जमीन से निकालने के लिए इस तरह के यंत्र यूज होते हैं, फॉर डिगिंग ऑफ पोटैटो, ओके, तो आप इस इमेज को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको याद रखना है तो आप इसे याद कर सकते हैं। फिर टेंथ है आपका ग्राउंड नट डिगर, ग्राउंड नट डिगर भी मैंने अभी पहले ही बताया कि इस तरीके के जो यंत्र होते हैं ग्राउंड नट को डिगिंग करने के यूज में आता है, और ये इस खास तरीके का यंत्र ऐसा बनाया है कि आपको सीधा सीधा जो सीड है उसका जो कर्नल कहा जाता है जिसको, वो आपको सीधा सीधा मिल जाता है इससे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, और एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग बहुत आगे है, और इस तरीके के यंत्र जो है बनते ही रहते हैं। फिर ग्यारहवा है आपका गेंट सेलर, गेंट सेलर का अर्थ होता है मेज का जो आप सेलिंग करते हैं या सीड को अलग करते हैं, तो इस तरीके का यंत्र यूज करते हैं, मेज सेलर भी आता है, मेज सेलर के नाम से भी आता है, गेंट सेलर के भी नाम से आता है, और ऐसा ही नहीं है कि आप मक्के बस को इसमें यूज कर सकते हो, कोई ऐसे ग्रेन या ऐसे कोई अनाज यूज कर सकते हो जिसका आप इस तरीके से ग्रेन को अलग करने के लिए यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यंत्र है बारवा है सीड ड्रेसिंग ड्रम, ठीक है, इसको यूज कैसे कर सकते हैं हम, जो केमिकल्स होते हैं पाउडर फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में, तो उनको रेत वगैरह मिला करके या फिर किसी केमिकल या फर्टिलाइजर को मिक्स करना है, तो इस ड्रम में डाल करके उसको घुमा दिया जाता है, और ये पूरा मिक्स होकर के हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाता है, और हम उसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके के यंत्र यूज होते हैं। फिर आपका हैंड किन जो यंत्र है वो कॉटन में यूज होता है, और कॉटन के जो कॉटन फाइबर्स हैं उनको अलग रेशा को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सीड जो लिंट होता है कॉटन का, जो सीड होता है जिसमें कॉटन चिपके हुए होते हैं, ठीक है, उनको अलग करने के लिए ये यूज होता है। तो उम्मीद है आपको ये तीरा यंत्र जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे किसी और एग्रोनॉमी के टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल्सो क्लिक कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanuka.edu.com में मिलेंगे। PDF बुक हो गए, ICER JRF CET के YouTube वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंड राइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICER JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।